क्या अब नहीं बनेगी टाइगर और जोए की जोड़ी? क्या सलमान के साथ टाइगर 3 होगी कैटरीना की आखिरी मूवी? क्या बीवी को एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं देखना चाहते हैं विक्की? जी हाँ, इन सारे सवालों का जवाब सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं, वो भी एक पोस्ट के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद। हर ओर बस इन्हीं सवालों की चर्चा हो रही है, और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, आखिर बात ही जो ऐसी है। अब इस पूरी कहानी को विस्तार से बताने से पहले आप भी जरा इस वायरल हो रही पोस्ट पर अपनी नजर डाल लीजिए। दरअसल ये पोस्ट फिल्म क्रिटिक उमेर संधू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस पोस्ट में उमेर ने सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक पिक्चर पोस्ट की है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, कैटरीना ने कहा है कि टाइगर 3 उनकी सलमान खान के साथ आखिरी फिल्म होगी, वो आगे कोई भी मूवी सलमान के साथ नहीं करेंगी। विकी कौशल ने उन्हें एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काम ना करने की चेतावनी दी है। अब जो कोई भी ये पोस्ट देख रहा है उसी के मन में बार बार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई इस बात में कोई सच्चाई है? क्या सच में अब कैटरीना कभी सलमान के साथ काम नहीं करेंगी, वो भी पति विकी के कहने पर? फैंस के मन में हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि कैटरीना और सलमान की ऑन स्क्रीन जोड़ी फैंस की खूब फेवरेट है। ऐसे में अगर कैटरीना ने सलमान से दूरी बनाई तो फैंस को काफी गहरा झटका लगने वाला है। वैसे आपको बता दें कि एक वक्त था जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का रिश्ता दबंग सलमान खान के साथ बना था। दोनों की डेटिंग की खबरों ने बॉलीवुड गलियारों को खूब गर्म किया था। यहाँ तक कि एक वक्त पर कैटरीना खान परिवार की बहू तक बनने वाली थी। फिर सलमान ने कुछ साल पहले कहा था कि वो कैट से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। कैटरीना ने भले ही सलमान से शादी नहीं की, लेकिन वो उनके परिवार का खास हिस्सा जरूर बन गई थी। हालांकि दोनों के इश्क की कहानी अधूरी ही रह गई। कैटरीना की जिंदगी में हमसफर बनकर विकी कौशल आ गए, तो 57 साल के सलमान आज भी सिंगल ही हैं। वैसे तो सलमान और कैटरीना आज भी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती निभाते हैं, लेकिन लगता है कि अब ये दोस्ती ज्यादा वक्त तक मिठास भरी नहीं रहेगी, क्योंकि विकी को बीवी कैट का सलमान संग काम करना राज नहीं आ रहा है। बहरहाल अब एक और जहां कैटरीना और सलमान खान एक बार फिर टाइगर और जोया बनकर फिल्म टाइगर 3 से दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं, ये फिल्म ईद पर रिलीज हो सकती है। तो दूसरी ओर टाइगर 3 के बाद इन दोनों स्टार्स की जोड़ी दोबारा बनेगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।